रायगढ़ जिले के आदिवासी विभाग में कार्यरत चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल 7 साल से अपनी परीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को सीएम के आदेश के बाद भी अब तक नियमित वेतनमान नहीं मिल रहा। इससे आक्रोशित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कर्मचारियों ने विभाग के सचिव डीडी सिंह पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य जिलों में उनके साथ ही नियुक्त हुए कर्मचारियों को नियमित वेतनमान मिल रहा है, लेकिन रायगढ़ के कर्मचारियों को इससे वंचित किया जा रहा है। नाराज कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ये रायगढ़ जिले में 2013 में ट्राइबल सेक्रेटरी के आदेश पर 559 आकस्मिक निधि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की यहाँ नियुक्ति हुई है। वेतनमान पर नियुक्ति हुई है, स्पष्ट आदेश में वेतनमान लिखा है और 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद उसी वेतनमान पर उनको नियमित वेतनमान देय होगा, ये आदेश में स्पष्ट लिखा है। और आज 7 साल होने जा रहा है ट्राइबल विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही और शत्रुता इन छोटे कर्मचारियों का के साथ किया जा रहा है, आज तक इनको नियमित वेतनमान से वंचित रखा गया है। और ऐसे कर्मचारियों के साथ शोषण, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी शोषण, अन्याय, अत्याचार चरम पर है और इसका पूरा जिम्मेदार ट्राइबल विभाग का जो सचिव है डीडी सिंह वो व्यक्तिगत रूप से है। और हम इसके खिलाफ 591 कर्मचारी हैं जो ऐसे नियमित वेतनमान से वंचित हैं जो मिलना चाहिए उनको, और हम इस विभाग में इनके साथ जो हो रही है अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम 23 दिसंबर को राजधानी रायपुर में विधानसभा घेराव करेंगे, रैली करेंगे और 24 दिसंबर से ही अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल और